So now our next topic is neutralization in everyday life. अब देखो neutralization एक ऐसा process है जिसमें acid और जो base है उसको mix करा जाता है, but हम अपनी day to day life में भी उन चीजों को देखते हैं, तो उसके कुछ examples देखते हैं. So the first one here is indigestion. हमने जो chapter किया था उसमें digestion के बारे में पढ़ा था, so वही यहाँ पे बात हो रही है. Now our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion of food. We know this, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ बट समटाइम द स्टमक रिलीजेस टू मच ऑफ एसिड विच लेड्स टू हाइपर एसिडिटी. सो कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टमक है वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस कर देता है जिससे हमें हाइपर एसिडिटी हो जाते हैं. या फिर यूजली आपने सुना होगा कभी कभी किसी के स्टमक में बहुत पेन होता है तो बोलता है कुछ नहीं एसिडिटी हो गई है, ये सब आपने सुना होगा कॉमनली. सो दैट इज व्हेन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो उस केस में हेंस वी नीड टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड बाय टेकिंग सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक इन नेचर. अब क्योंकि आपके स्टमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा. सो हमें ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर सके, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक हो नेचर में, कॉमनली नोन एज एंटासिड्स. और हम इसको क्या बोलते हैं, एंटासिड्स. ओके, फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ बेसिक सब्सटेंस दैट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द स्टमक. सो यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से जो स्टमक का एसिड होता है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज एंट स्टिंग एंड एंट बाइट. जब हमें कोई एंट बाइट करती है उस टाइम भी न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं हम, कैसे, लेट्स सी. Irritation of the skin due to ant bite is caused because of the presence of formic acid that the ant injects into the skin while biting. जब कोई भी ant हमें bite करती है, so जब वो bite करती चली जाती है हमें बहुत irritation होती है, itching होती है. Reason क्या है? Because वो एक formic acid है जो हमारी skin में inject करता है while it is biting. Correct? Hence we use a basic substance to neutralize the effect. अब क्योंकि एसिड प्रेजेंट हुआ तो हमें इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए बेसिक सब्सटेंस की जरूरत है. फॉर एग्जांपल क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन और जिंक कार्बोनेट आर जनरली यूज टू ट्रीट दी बाइट्स. एंड बाइट्स को ट्रीट करने के लिए यूजली हम ये सारे सब्सटेंसेस यूज करते हैं. ऑल दीज आर बेसिस. ओके, सो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन का. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. Now coming to the third example, which is soil treatment. So plants need a soil which is neutral in nature, but using chemical fertilizer on soil can turn it into acidic. अब plants को grow करने के लिए जो soil चाहिए वो उन्हें neutral soil चाहिए, ना तो उसमें acid होना चाहिए ना ही base होना चाहिए. But क्योंकि हमें soil में fertilizers add करने पड़ते हैं तो वो soil कैसी हो जाती है, acidic हो जाती है. Now to treat acidic soil we use quicklime which is basically calcium oxide or slaked lime which is calcium hydroxide. तो हमें ये दोनों चीजें use करनी पड़ती है उस soil पे. Basic soil can be treated by adding organic substances. और अगर कोई basic soil है तो उसको हम organic substances उसमें add कर सकते हैं to it as they release acids while decomposing into the soil, because they जब वो decompose होते हैं तो soil में acids छोड़ते हो जाते हैं. Okay, so ये था हमारा third example about neutralization in day to day life. Now we move to the last example, also the last topic of this chapter. Now coming to the last example, which is factory waste. So here factory waste is acidic in nature and cannot be directly dumped anywhere. अब जो factory से waste निकलता है वो एसिडिक होता है नेचर में और उसको हम डायरेक्टली कहीं भी डंप नहीं कर सकते. सो हेंस बेसिस आर एडेड टू इट बिफोर इट फॉल्स ऑफ इनटू अ रिवर और स्ट्रीम सो दैट एक्वेटिक लाइफ डज नॉट गेट इफेक्टेड. सो अब क्या करते हैं हम, क्योंकि जो फैक्ट्री वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है तो हम पहले उसमें
बेसिस एड ऑन होते हैं एंड देन उसको रिवर्स या स्ट्रीम्स में जाने दिया जाता है, ताकि अगर डायरेक्ट जो एसिडिक वेस्ट है अगर डायरेक्ट वो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म करेगा। दैट्स वाई पहले उसमें बेसिस एड होते हैं एंड देन उसे रिवर्स या स्ट्रीम में जाने दिया जाता है। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।